बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक यूनिट नंबर 2 हमारी रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट है और इसका आज हम फर्स्ट पार्ट करेंगे, जो कि जैसा कि आपको बोर्ड पर नज़र आ रहा है यूनिट नंबर 2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट सॉल्व एमसीक्यूज। ठीक है जी, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह इसके तकरीबन हमारे पास ये 20 एमसीक्यूज हैं तकरीबन, तो इंशाल्लाह अज़ल आज के लेक्चर में हम 20 एमसीक्यूज को जो है वो कवर करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, चलें आ जाते हैं अपनी क्वेश्चन नंबर 1 पर। जैसा कि आपको नज़र आया है फर्स्ट क्वेश्चन में वो क्या कहते हैं, यहाँ पर नोट कीजिए। कहता है इफ़ अ मैट्रिक्स, अच्छा एक चीज़ और याद रखिएगा बेटा कि मैंने जो है जब भी एमसीक्यूज करवा रही हुआ करूँ तो आपने एमसीक्यूज से पहले जो इंट्रोडक्शन लेक्चर होता है ना हर लेक्चर का, वो आपने जाकर ज़रूर चैनल पर देखना है। होता ये है कि इंट्रोडक्शन लेक्चर देखने से, अगर आप इंट्रोडक्शन लेक्चर को देखोगे तो वहाँ पर डिटेल में पहले तमाम टाइप्स को एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ, तो उसके बाद जब आप ये करोगे ना तो इंशाल्लाह आपको ख़ुद ही उनके आंसर्स आ रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या कहता है, फर्स्ट में आप नोट करें, यहाँ कहता है इफ़ अ मैट्रिक्स ए हैज़ एम रॉस एंड एन कॉलम देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कि जब भी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड कर रहे होते हो तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है, ये तो आप सबको मालूम है। आप देखो इस तरीके से m बाय n कर इसको रीड आउट करते हो, फर्स्ट एम सी क्यूज का आंसर यहाँ पे मैं सारे आंसर साइड पे मेंशन करूँगी, आप लोग जो है कॉपी करते जाइएगा। ठीक है जी, अब जब भी आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना होता है तो आप क्या करते हो, m जो है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ रॉस को और n जो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ कॉलम्स को, तो हम कहते हैं कि हम नंबर ऑफ़ रॉस को नंबर ऑफ़ कॉलम से जो है वो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का निकल जाता है। तो नंबर ऑफ़ रॉस एंड नंबर ऑफ़ कॉलम, m किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रॉस को, जबकि n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। जब भी आपने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकालना होता है तो आप m मल्टीप्लाई बाय n इस तरह निकाल रहे होते हो ना, तो अब देखो ये वाला ऑप्शन आपके पास कहाँ है, ये वाला ऑप्शन आपके पास फर्स्ट में ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखें आपके पास राइट आंसर इसका होगा। आप पेंसिल से साथ साथ इसमें लिखते भी जाइए, मैं भी यहाँ पे लिख देती हूँ, आपको टिक लगवा देती हूँ। फर्स्ट वाला जो है वो m बाय n है, सेकंड वाला जो है वो आपके पास यहाँ पर m इंटू n है और ये m इज़ द पावर ऑफ n है, तो फर्स्ट वाला इसका राइट ऑप्शन होगा m बाय n। ठीक है जी, अब आगे कहता है एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m मल्टीप्लाई 1 इज कॉल्ड, देखो यहाँ पर m इंटू 1 कह रहा है। अब यहाँ पर देखो एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, तो आप सबको मालूम है जब भी हम ऑर्डर्स की बात कर रहे होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, रॉ मैट्रिक्स की बात कर रहे होते हैं, तो आपके पास क्या होता है यहाँ पर एक जो है वो रॉ गिवन होती है, और हम कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहे होते हैं तो आप कहते हैं मैम वन कॉलम होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हो तो नंबर ऑफ़ रॉस और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है वो इक्वल होते हैं ज़ीरो। अब ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दी हैं। ठीक है जी, अच्छा अब हम बात कर रहे हैं m बाय 1, m बाय 1 का मतलब क्या है, ये हमारे पास जो है एक कॉलम गिवन होगा, कॉलम मैट्रिक्स इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन जो है उसमें राइट है m बाय 1, तो कॉलम जो है वो आपके पास क्या है 1 होगा। ठीक है जी, ये कॉलम मैट्रिक्स है। अच्छा जी, क्योंकि n जो है वो रिप्रेजेंट किसको करता है कॉलम को करता है ना, 1 कॉलम कह रहा है तो सिंपल सी बात है कि कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा। आगे आ जाओ थर्ड वाले एम सी क्यू, उसमें क्या कहते हैं फॉर द स्क्वेयर मैट्रिक्स, ठीक है फॉर द स्क्वेयर मैट्रिक्स, अभी मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम इक्वल होना शर्त होती है हमारे पास, चाहे वो डायगनल की बात कर रहा हो, चाहे वो स्केलर की बात कर रहा हो, चाहे वो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहा हो, इन तीनों मैट्रिक्स में आपके पास आपका पहले तो स्क्वेयर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है, मतलब नंबर ऑफ़ रॉज और नंबर ऑफ़ कॉलम किसी भी मैट्रिक्स के अगर इक्वल होंगे तो फिर उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या वो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स स्केलर है, क्या वो डायगनल है, या वो हमारे पास जो है यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है जी, अब यहाँ पे कहता है कि एक मैट्रिक्स है, देखो नंबर 1 तो अच्छा आपको मैंने बुक में आंसर्स लिखवा दिए ना, मेंशन करवा दिए आपको, मैं यहाँ नहीं बता रही सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। पहले तो बात आ गई स्क्वायर मैट्रिक्स की, सवाल समझने की कोशिश कीजिएगा इंशाल्लाह, पूरी कोशिश करूँगी आपको एक्सप्लेन करने की। देखो भाई बात आ रही है पहले स्क्वायर मैट्रिक्स की, आपको मैंने कहा कि अगर नंबर ऑफ़ रॉस और नंबर ऑफ़ कॉलम्स, क्या नंबर ऑफ़ रॉस और
नंबर ऑफ कॉलम्स अगर हमारे पास क्या है, इक्वल है, तो आप कहते हो कि ये शर्त है स्क्वायर मैट्रिक्स की। पहली बात तो ये। दूसरा मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल देखो, मैंने कहा नंबर ऑफ रॉज 1, 2, 3 या इस तरह लगा लूँ। इसी तरह का कोई मैटर लिख कर दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आए। चलो भाई, मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया है, इसकी एंट्रीज पे मैंने देखो मैंने क्या लिया है, ये जो डायगनल है ना, डायरेक्ट डायगनल का मतलब होता है तिरछे एलिमेंट्स। अगर ये हमारे पास हमारे तिरछे एलिमेंट्स जो है ये वाले 1, 2, 3 कुछ और हैं, एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग नज़र आ रहे हैं, तो आपने कहा ऑफ डायगनल एंट्रीज तमाम जो है वो ऑफ डायगनल जो है, बाकी के एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट डायगनल के अलावा जो ऑफ डायगनल है, अगर वो सारे के सारे ज़ीरो हैं, तो आप कहोगे गिवन मैट्रिक्स जो है वो आपके पास क्या है, एक डायगनल मैट्रिक्स है। यहाँ तक तो आपको पहले ये चीज़ समझ में आ गई। फिर दूसरी चीज़, अगर ये हमारे पास इन केस इस तरीके से हो 1, 1, 1, ये तो आप देख के बता दोगे कि मिस ऑफ डायगनल जो है वो सारे के सारे ज़ीरो हैं, और जो डायगनल एलिमेंट है हमारे पास वो हमारे पास तमाम एंट्रीज पर क्या है, 1 है। तो ये हमारे पास कहलाता है एक यूनिट मैट्रिक्स, या इसको कहा जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहा जाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर हो गई ये बात। अब तीसरी चीज़ देखो, अब तीनों में नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम एक, तो तीन रॉज हैं, तीन कॉलम है, स्क्वायर तो है, शर्त है स्क्वायर है, डायगनल है, स्क्वायर है, यूनिट है, आइडेंटिटी है। स्केलर में क्या होता है कि 1 के अलावा अगर ये 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4 एक जैसे हों और ऑफ डायगनल सारे के सारे ज़ीरो हों, तो ये हमारे पास होता है एक स्केलर मैट्रिक्स। अभी आप लोगों को कहानी समझ में आ गई कि स्केलर क्या है, यूनिट क्या है, डायगनल क्या है, लेकिन इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स तो शर्त है। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो कह रहा है ए जो है वो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जो आई तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोफैक्टर्स वगैरह दिए गए होंगे, माइनर वगैरह दिया गया है। अब आप लोगों को उसको पहचानना है कि किस बात क्या की जा रही है। यहाँ पे जो है ना बेटा, इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि ए आई जे जो है वो के है, मतलब नॉन ज़ीरो है। अब आप एक चीज़ को नोट करो, अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया कि अब जब हम बात कर रहे होते हैं, देखो इस तरीके से मैं बात कर रही हूँ, मैंने बोला ए 1, 1, आप सबको पता है ए 1, 2, ए 1, 3, ए 2, 1, ए 2, 2, ए 2, 3। फर्स्ट जो एलिमेंट है आपके पास ये कोफैक्टर्स का, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रॉस को, नंबर ऑफ रॉस को। और सेकंड वाला एलिमेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। ठीक है जी, तो हम बात कर रहे हैं थर्ड रॉ और फर्स्ट कॉलम की, तो 3, 1। हम बात कर रहे हैं जो है वो सेकंड आपके पास जो है थर्ड आपके पास 3, 2 और 3, 3। मतलब आपने क्या करना है कि फर्स्ट जो चीज़ है वो रिप्रेजेंट करती है आपके रॉ को, और सेकंड जो एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है आपके कॉलम को। तो हम कॉलम नंबर 2 में यहाँ पे मौजूद हैं और रॉ नंबर 3 चल रही है, तो 3, 2। 3, 3 का मतलब है 3 ही रॉज है और 3 ही कॉलम्स है। ये समझ में आया ना आप लोगों को? ये तो आप लोगों को निकालना आता है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा चैप्टर कवर किया, तो कोफैक्टर्स तो आप लोगों को सबको मालूम होगा। अब डायगनल में क्या है, 1, 1 होता है, 2, 2 है और 3, 3 है, तो हम कह देते हैं जी हमारे पास डायगनल और ऑफ डायगनल सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसमें 0 हो जाएंगे। अब यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन के अंदर जो बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है यहाँ पर कि हमारे पास ये जो कह रहे हैं कि आई और जे है वो क्या है, 0 है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि आई जो है, आई जो है वो जे के इक्वल नहीं है, आई जो है वो जे के इक्वल नहीं है। ठीक है, दूसरी कंडीशन में ये कह रहा है कि जो आई और जे है, नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो के के बराबर, मतलब कांस्टेंट है के। उसका मतलब क्या हुआ कि इस जगह पे आपके पास क्या है, एक जैसे आ रहे हैं, और एक जैसे का क्या मतलब होता है कि आपके पास क्या है वो एक स्केलर मैट्रिक्स। अभी मैंने बताया देखो कि एक जैसे हैं और 1 नहीं है, अगर यहाँ पे कुछ 1 की कहानी आ जाती तो आप देखते ही बता देते कि आपके पास ये 1 जो है वो यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। अब यहाँ पर जो कहानी बताई गई है वो कह रहा है के है, एक जैसा है, तो इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स होगा। इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या आ रहा है, एक स्केलर मैट्रिक्स आ रहा है। और स्केलर का फर्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा है स्केलर में, अच्छा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं होते। जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रॉज नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है, तो हम कह देते हैं कि वो एक
स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर में ऐसा नहीं होता, आइडेंटिटी होता तो ये सारे वन होते, ठीक है, नल होता तो ये ज़ीरो होता, ठीक है। तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है जो कि ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। समझ में आ गया आप लोगों को, तो आपने यहाँ पे लगा लें बी में, राइट ऑप्शन बी है, क्लियर हो गया। चलो आगे आ जाओ, आगे क्या कहता है, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं। आपने वन बाय वन इस तरीके से करना है, समझ समझ के हर चीज़ को, ठीक है जी। चलो फिर क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर में, कहते हैं द मैट्रिक्स सेवन। अब ये देखो, ये गिवन मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर जो फोर है इसमें कह रहा है एक सेवन मैट्रिक्स दिया गया है। अब आप लोग बेटा देखकर बता दोगे कि ये सेवन मैट्रिक्स है तो ये एक ही रॉ है और एक ही कॉलम है। नंबर वन में कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रॉ नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, जाहिर सी बात है एक ही रॉ है एक ही कॉलम है। रॉ भी है, रॉ मैट्रिक्स भी कहला सकते हैं क्योंकि एक ही रॉ है, कॉलम भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक ही कॉलम है। तो ये ऑल ऑफ दीज आ जाएगा, इसका राइट ऑप्शन आ जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आपने लगा लेना है ऑल ऑफ दीज पर आंसर, क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। आप लोग जो है इसको अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ गिवन है, देखो के ए बी सी और इसके ऊपर ट्रांसपोज है। जब भी आपने ट्रांसपोज इसका निकालना है, आपने इसको जो है इनवर्स उल्टा लेना है, मतलब बैकवर्ड ले लेना है। ये सी है ना, तो आप लिखोगे सी ट्रांसपोज, फिर आप कहोगे बी ट्रांसपोज कि अपनी जगह पर रहेगा, और आप कहोगे यहाँ पर ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। तो ये राइट ऑप्शन कहाँ है इसका, जिसके अंदर आ रहा है ये देखो। अब आपके पास ये राइट ऑप्शन आ रहा है सेकंड वाले में, सी ट्रांसपोज फिर बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है। इस पर लगा लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर जो है वो क्या है, बी है, बी ऑप्शन जो है इसका राइट है, ठीक है। आप लोगों ने बुक में मार्क करते रहना है, समझ में आ गया आप लोगों। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहते हैं 1506 माइनस 1234। अब हमें क्या करना है, इसका जो है डिटर्मिनेंट फाइंड करना। तो आपको कैसे करना है, टू टू बाई टू का जो है मैट्रिक्स ये मैंने आपके सिंपल आप क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लोगे। देखो वन ए इंटू डी माइनस बी सी करके ना, ए डी माइनस बी सी करके, तो वही हो जाएगा 6 1 6 5 0 0, बीच में माइनस है, 4 1 4 हो जाएगा, और 3 2 6 क्रॉस करके 6 में 0 माइनस किया तो 0 ही, बस 6 में से 0 को माइनस करो, 6 में से कुछ भी नहीं गया तो 6 ही बचा ना सिंपल, ठीक है जी। अब ये 4 में से 6 को माइनस कर दोगे, माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे आपका ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन आ रहा है 8, जो कि आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर बी में, तो आप बी लगा लीजिए, इसका राइट ऑप्शन है, ठीक है जी। आगे कहता है ए जो है ए इंटू बी, कहता है बी इंटू ए मतलब बी ए के बराबर है, देन विच वन इज़ ट्रू, इन सब में से कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट, वेयर ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स। पहला कह रहा है कि ए और बी जो है वो आपस में एक स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अच्छा जी, अब ऑप्शन नंबर वन में कहता है ए एंड बी आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, ए और बी जो है वो आपस में एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। मतलब अगर हम उसको फाइंड आउट कर रहे हों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, देखो अगर हम ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स से, या हम ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, तो ये दोनों आपस में जो है एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। दूसरे में कहता है ए वन ऑफ ए एंड बी इज़ नल मैट्रिक्स, थर्ड में कहता है वन ऑफ ए एंड बी आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और मैं कहता है ऑल ऑफ दीज, ठीक है जी। तो इसका आंसर बेटा आइडेंटिटी भी है, तो बिल्कुल ए और बी आपस में आइडेंटिटी, इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दोनों आपस में इक्वल है, आइडेंटिटी भी हो रहा है, तो ये इसमें राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, कि ए और बी को अगर आपस में जो है वो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो बी इंटू ए से, देन विच वन इज़ ट्रू, इन तमाम में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो ये तमाम जितनी भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर लग रही हैं, जो रूल अप्लाई हो रहा है उस पर ओपे करेगा, ठीक है जी। तो ए और बी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी होगा, ए वन जो है वो ए ऑफ ए एंड बी इज़ नल मैट्रिक्स भी होगा। आगे आ जाओ, वन ऑफ ए और बी जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगा, तो इसमें ऑल ऑफ दीस आ जाएगा इस वाले ऑप्शन में, तो आप ऑल ऑफ दीस लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर आप इसमें सिक्स में सेवन में, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर एट में क्या कहता है, इफ़ ए माइनस सेवन देन ए इज़ इक्वल टू। देखो भाई यहाँ पर आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना, अच्छा यहाँ पर माइनस सेवन दिया गया है, और आपको कहता है यहाँ पर देखो माइनस सेवन
और कहता है इसका ए डिटरमिनेंट फाइंड करें, तो इसका सेम ही होगा ना, इसका ए डिटरमिनेंट तो इसके सेम ही आएगा, तो ये -7 ही इसका राइट ऑप्शन होगा क्योंकि इसका सेम ही आएगा। ठीक है जी, चलो भाई कैसे फाइंड करोगे, तो सेम ऑप्शन आ जाएगा इसमें, आ जाएगा -7। आगे आ जाओ 9 में क्या कहता है, इफ़ आई एन जे, देखो एक मैट्रिक्स गिवन है ए आई एन जे विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द को फैक्टर ऑफ आई जे इज इक्वल टू को फैक्टर आई जे, किसकी जनरल फॉर्म दी गई है, देखो जो आप फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हो सेम उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, -1। ठीक है, आपके पास -1 होता है आई प्लस जे एम आई और जे, तो आपके पास कौन सा इसमें राइट ऑप्शन आ रहा है, इसका ऑप्शन जो है बी आ रहा है, यही होती है ना। देखो -1 जब आप को फैक्टर्स निकाल रहे होते हो आई प्लस जे करते हो, बाद में जो है माइनस फैक्टर को ले आते हो एम आई जे, तो यही वाला इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी है, बी राइट ऑप्शन है। अच्छा जी, अब 9 हो गए, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो, 10 में कहता है फॉर एनी, देखो यहाँ पे क्या कहता है, फॉर एनी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स ए और ए डिटरमिनेंट इक्वल टू, देखो एक आपके पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है ए और उसका जो डिटरमिनेंट है अगर हम फाइंड करें वो किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगनल एलिमेंट, जाहिर सी बात है वो हमारे पास जो है वो लीडिंग एलिमेंट डायगनल एलिमेंट्स होंगे उनको जो है वो लीड कर रहा होगा, उनके डायगनल एलिमेंट्स जो है वो लीडिंग पर आ रहे होंगे, बिल्कुल ठीक है। देखो वैसे होता क्या है यहाँ पर ट्राइंगुलर, और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली होता क्या है आपको मालूम है, मैं बता दूँ, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, इस तरह ऊपर जो है वो आपके पास जो है वो बन रहे होता है ट्राइंगुलर बन रहा होता है अपर मैट्रिक्स, देखे और ऑफ डायगनल जीरो होते हैं, तो इस तरह का कोई ट्राइंगल बन मैट्रिक्स होता है तो उसको कहते हैं कि वो हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, बेसिकली ट्राइंगुलर ही होता है लेकिन ये अपर होता है। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो एक 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हमारे पास ऑफ डायगनल जीरो, ऑफ डायगनल कह दिया, ट्राइंगल के बाद के जो रिमेनिंग होंगे वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, तो ये लोअर ट्राइंगुलर होगा। ठीक है, ये हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है, ये हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इसमें ऊपर की तरफ ट्राइंगल बन रहा होता है, इसमें नीचे की तरफ ट्राइंगल, बाकी जो होता है वो हमारे पास जीरो होता है, प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग डायगनल एलिमेंट्स। अच्छा जी, आगे आ जाओ हमारे पास नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहते हैं जनाब, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं ताकि हमारे स्पेस भी साथ साथ रहे। 11 में कहते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की जा रही है यहाँ पर, और कहता है ए आई जे फॉर विच ए आई जे जो है वो ज़ीरो है, और यहाँ पर कहता है आई जो है वो लेस है जे से, देन ए इज कॉल्ड अपर ट्राइंगुलर होगा, लोअर ट्राइंगल होगा, सिमेट्रिक होगा या हार्मिशियन होगा। देखो भाई अभी अभी थोड़ी देर पहले समझाया, देखो A11, A12, A13, ठीक है, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब देखो यहाँ पर हम, ठीक है बेटा, तो ये आपको पता है, अभी देखो हमें मालूम है, ये देखो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लोअर की ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की, तो अब यहाँ पर देखो इनको कि ये तीनों के तीनों जो है रिमेनिंग ये हमारे पास क्या है, इसमें ए जो है वो जे से लेस है ना, देखो जे बड़ा है ए वन छोटा है, यहाँ पे थ्री बड़ा है वन छोटा है, यहाँ पर देखो थ्री बड़ा है और टू हमारे पास क्या है छोटा है, तो ये हमारे पास होगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, क्या होगा इसके अंदर हमारे पास लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसमें बात हो रही है हमारे पास, ये है 11 वाले का आंसर। ठीक है जी, तो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी जो है वो आपका राइट है, यहाँ पे आप टिक कर लें। ठीक है जी, अच्छा जी, अ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज, अब देखो यहाँ पे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहा है, क्या वो स्केलर होता है, क्या वो डायगनल होता है, क्या वो स्क्वायर होता है, या वो हमारे पास क्या होता है, अब आप बताएं यहाँ पर, आप देखते ही बता दो कि जाहिर सी बात है स्क्वायर ही होगा ना, तीन ही रॉज हैं और तीन ही कॉलम है। देखो आपके पास दिया गया है ना, ये एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे क्या कह रहा है, एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या है वो क्या होता है हमेशा, अभी आपके पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स नज़र आ रहा है आपको, तीन ही रॉज हैं, देखो रॉ नंबर 1, रॉ 2, रॉ 3,
तीन ही कॉलम है, कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, कॉलम नंबर थ्री। जब नंबर ऑफ रॉस और नंबर ऑफ इक्वल होते हैं तो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है ना, सिंपल सा। तो हमारे पास यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा 12 में। तो ये तो सोचने वाली बात ही नहीं थी। आ जाते हैं एमसीक्यू नंबर 12 पर। अब कहता है कि आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज स्क्यू मैट्रिक्स। अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास गिवन है और वो कहता है कि वो स्क्यू मैट्रिक्स कब होगा, किस कंडीशन में होगा। देखो बेटा एक चीज़ याद रखो, जब आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहे होते हो और वो दोबारा ए के बराबर, मतलब ए अगर एक आपने मैट्रिक्स लिया, उसका आपने ट्रांसपोज लिया और वो दोबारा से जो है वो अपने ही मैट्रिक्स के बराबर आ गया, तो उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इस वाले मैट्रिक्स को, कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सॉरी, इसको कहा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये स्क्यू कब होता है, जब ये हमारे पास अगर पॉजिटिव दिया गया, जो एंट्रीज पॉजिटिव होती हैं वो नेगेटिव हो जाती हैं, तो वो माइनस ए के बराबर आ जाए, तो उसको कहा जाता है स्क्यू सिमेट्रिक, SKEW, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आया, ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरीके से और हमारे पास जब ये कॉन्जुगेट वाली कहानी गिवन होती है ना, इसमें भी कुछ इसी तरह का होता है। देखो अगर हम एक हमारे पास मैट्रिक्स है ए, उसका हमने कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड करें और अगर वो हमारे पास ए के बराबर आ जाए, वही वाली चीज़ आ गई, तो ये हमारे पास कहलाता है हार्मीशियन मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, हार्मीशियन मैट्रिक्स। ये आप याद रखिएगा, इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर करवाया, वहाँ पे मैंने आपको प्रूफ के साथ एग्जांपल के साथ समझाया, आप लोगों ने ज़रूर देखना है हार्मीशियन मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास ए हम कॉन्जुगेट फाइंड करें और उसका ट्रांसपोज लें और वो माइनस ए के बराबर आ जाए, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव एंट्रीज तमाम नेगेटिव हो जाए, तो वो हमारे पास होता है स्क्यू हार्मीशियन मैट्रिक्स। अब आप कहेंगे मिस पहचानना, याद रखिएगा जब भी हार्मीशियन का जिक्र आता है तो वहाँ पे आयोटा ज़रूर गिवन होता है, क्योंकि कॉन्जुगेट करने का तरीका यही होता है कि आप हमेशा हमारे इमेजिनरी पार्ट की साइन को चेंज कर देते हो, तो फिर आप उसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर रहे होते हो। तो इन दोनों में यही होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक में आपको आयोटा जैसी कोई कहानी नहीं मिलेगी, लेकिन हार्मीशियन और स्क्यू हार्मीशियन में आप लोगों को आयोटा वाली जो है वो कहानियाँ नज़र आएंगी, ठीक है। मतलब वो आपको एंट्रीज नज़र आ रही होगी तो आप समझ जाओगे, इन ज़्यादा डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता है बच्चों को, हमें सब सिमेट्रिक में और हार्मीशियन को किस तरीके से वेरीफाई करेंगे। तो अभी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो यहाँ पे इन्होंने, ठीक है बेटा, तो देख लें। अब कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अब ए स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, स्क्यू मैट्रिक्स किस कंडीशन में, जब हमारे पास ये ए ट्रांसपोज लेने पर वो माइनस ए के बराबर आ जाए। 14 में कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स इज हार्मीशियन, अब और स्क्यू हार्मीशियन होता तो कॉन्जुगेट लेने के बाद वो माइनस ए दे रहा होता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हार्मीशियन मैट्रिक्स है, स्क्यू नहीं है, तो एट कॉन्जुगेट करके उसका ट्रांसपोज लो तो वो ए के बराबर आएगा, तो सी ऑप्शन राइट है। अब यहाँ कहता है 15 में, ईच डायगनल एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगनल ऑफ स्क्यू हार्मीशियन मैट्रिक मस्ट बी 1, 0, एनी नॉन जीरो नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी मैंने बताया ना हार्मीशियन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा का नज़र आ रहा होगा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर इसका राइट ऑप्शन है, जो कि डी है। आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलें जी, अब आ जाते हैं एमसीक्यूज नंबर हम यहाँ पर 16 पर। 16 सॉल्व होगा। अब हमारे पास एक एफ 8 दिया गया है, ए बी 07, और दूसरा कहता है कि 2, 3, 1 माइनस का 9, देन ए किसके बराबर होगा। अब ये जो ए एंट्री यहाँ पर दी गई है, ए एलिमेंट जो यहाँ पर दिया गया है, अब हमें ये बताना है कि ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा। चलो मल्टीप्लाई करके देखते हैं, अलग अलग दोनों को इसको अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पे बताओ ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर 7 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7A हो जाएगा, और 0 पिज़्ज़ा आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो 9 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, माइनस आपको पता है फार्मूला, यहाँ 2 9 18 माइनस का 18, और यह फार्मूला का माइनस होता है, तो 3 1 3 हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे 7A ही आया, 18 में से 3 को माइनस माइनस प्लस होता है 18, और 3 हमारे पास हो जाएगा 21, ठीक है। साइन आएगी बड़े की, बड़ा 18 है और 18 के पास लगा है माइनस, तो हमने यहाँ लगा दिया माइनस। क्लियर हो गई ये चीज़। अब आप देखो, अब हमारे पास ए कहता है 7 को मेरे पास से यहाँ से हट जाओ, क्योंकि ए की वैल्यू को फाइंड करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है और यहाँ का डिवाइड में हो जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7 1 7 7 3 21 माइनस का, तो ए आ जाएगा माइनस का 3,
अब देखो राइट ऑप्शन माइनस का थ्री हमारे पास कहाँ आ रहा है, तो माइनस का थ्री आ रहा है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए पर आप यहाँ पर टिक लगा लें यहाँ पर, ठीक है जी। मैं पेंसिल से लगा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपने टिक लगा लेना है ताकि बुक मेरी गंदी ना हो, ठीक है जी। अच्छा जी, द नंबर ऑफ नॉन जीरो रॉस इन इक्लॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, देखें इक्लॉन फॉर्म नॉन जीरो रॉस ऑफ फाइंड टू रैंक, इसको रैंक कहा जाता है ना, रैंक निकालने का तरीका, देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा जी, इफ़ ए इज़ एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए माइनस ए डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज देन ए इज़, अब हमारे पास एक वो कह रहा है कि ए जो है वो एनी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें का वो हमारे पास किसके बराबर है, माइनस ए ट्रांसपोज के। तो ये आप लोगों ने अभी, मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले जो कहानी बताई है मेरा बेटा, सारी वही कहानी है ना कि ए देखो यहाँ पर एक स्क्यू मैट्रिक्स यहाँ पर आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, दोबारा थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। देखो ए एक मैट्रिक्स है गिवन, वो कहता है कि वो हमारे पास किसके बराबर है, माइनस ए ट्रांसपोज के, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास किसके बराबर होगा, जाहिर सी बात है माइनस ए के। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो आ रहा है ऑप्शन, हार्मिशियन तो नहीं हो सकता क्योंकि कॉन्जुगेट का जिक्र होता है, ठीक है जी। यहाँ पे भी हार्मिशियन का जिक्र है, यहाँ पे सिमेट्रिक है। अगर ये हमारे पास जो है वो माइनस ना होता, सिंपल हमारे पास ये पॉजिटिव होता, वही वाली कहानी पहले मैंने आपको जो ये ट्रांसपोज के बारे में बताया कि हमने ट्रांसपोज लिया किसी भी मैट्रिक्स का और वो हमारे पास ए आ जाता है तो वो स्क्यू के बराबर आ जाता है ना, सिंपल सी बात है। अब यहाँ कन्फ्यूज़ करने के लिए इन्होंने इधर ए दिया, तो आपने परेशान होना ही नहीं, आपने कहना है जी ये वाला ए इधर है, इसमें कौन सी परेशानी वाली बात है। तो माइनस के बराबर आ जाएगा तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिंपल पॉजिटिव होगा ये, तो वो आपके पास जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक आ रहा है जी, जनाब निशान आप लगा लीजिए। अच्छा जी, आगे आ जाता है इफ़ ए इज़ आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। अच्छा ये बड़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ दे दी है बच्चों को, देखो अगर हमारे पास ए स्क्वायर हम फाइंड आउट कर रहे हों, देखो भाई किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए इंटू ए, मतलब ए को ए से ही मल्टीप्लाई करने पे अगर हमारा आंसर जो है वो आइडेंटिटी आ जाता है, तो आई आ जाता है तो वो मैट्रिक्स कहलाता है इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स कहलाता है। अगर हम ए स्क्वायर फाइंड आउट कर रहे हैं, मतलब ए इंटू ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, जैसे कि सेकेंड में दिया गया, वो कहलाता है निल पोटेंट मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, निल पोटेंट मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास ए स्क्वायर लेने पर, मतलब ए इंटू ए लेने पर आंसर ए ए ही अपना ही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो वो कहलाता है आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, आइडमपोटेंट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ये वाला कहाँ दिया गया है कि जब हम उसको फाइंड आउट कर रहे हों, ए स्क्वायर ले रहे हों, ए को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हों तो हमारे पास वही चीज़ वापस आ जाए तो वो कहलाती है आइडमपोटेंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में देखो ए स्क्वायर जो है वो ए के बराबर आ रहा है तो यहाँ पे आइडमपोटेंट मैट्रिक्स आएगा। क्लियर हो गया। अब हमारे पास लास्ट एमसीक्यूज रह गया जो 20 ऑफ कोफैक्टर्स फाइंड करना है, किसका, A22 का। अब A22 का कोफैक्टर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, देखो पहले पूरा मैट्रिक्स यहाँ पर लिख लो। अब 1, 2, 4 माइनस का 1, 2, 5 0, 1 माइनस का 1। अब आपने कोफैक्टर फाइंड करना है, कोफैक्टर फाइंड करने का तरीका आपको ज़रूर आता है, बहुत अच्छा आता है। ये आपके पास फार्मूला क्या है आपके पास, AIJ, आप क्या कहते हो, आप कहते हो -1 i + 1 + j, मतलब 1 + 1 ले लो या i + j ले लो। आप सबको मालूम है कि फर्स्ट रिप्रेजेंट कर रहा है एंट्री रॉस को और ये कॉलम्स को, और हमारे पास यहाँ पे मेजर फैक्टर क्या आ जाएगा, IJ, ये कोफैक्टर और ये माइनर फैक्टर, सॉरी, ठीक है, IJ। तो किस तरह किया जाता है इसको निकालने का तरीका क्या, अब हमें A22 निकालना है। A22 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप सबको मालूम है माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मान 2 और 2, मतलब सेकंड रॉ और सेकंड कॉलम की बात हो रही थी, 2 + 2 की बात होगी। अब सेकंड वाला रॉ और सेकंड कॉलम, ये वाला देखो सेकंड वाला क्या है हमारे पास, कॉलम रॉस और सेकंड कॉलम ही स्किप होगा, तो क्या रिमेनिंग बचा हमारे पास, 1, 4, 0 और -1। ऐसा ही होता है। अब देखो -1 ऊपर 4 है पावर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ देखो 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1, बीच में माइनस होता है, 0 4 ज़ा 0। तो यहाँ पे देखो अब ऊपर आपके पास इवन नंबर मौजूद है तो पॉजिटिव 1 ही देगा और यहाँ पे आपके पास माइनस का 1 आ जाएगा, 1 1 ज़ा 1 हो जाएगा, आंसर इज माइनस का 1। तो -1 आपके पास कहाँ आ रहा है, इसमें -1 आ रहा है मेरा बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर बी में।
अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको इस लेक्चर में 20 एमसीक्यूज कवर करवा दी हैं। इंट्रोडक्शन लेक्चर ज़रूर देखिएगा, हम मिलते हैं इंशाल्लाह। इसको टू पार्ट्स में करूँगी, थोड़ा लेंदी है क्योंकि इसमें आपको एक्स वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये तो सिंपल हो जाएगा, पीरियोडिक एंड इंपोर्टेंट वगैरह इंपोर्टेंट, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक्सरसाइज बहुत अच्छी से कराई है। इनवॉलेंट्री है, आप इसमें बताओ कि मैट्रिक्स में हार्मेशियन है, एसक्यू हार्मेशियन है, ठीक है, फाइंड आउट करके करोगे ना ट्रांसपोज लेने के बाद, तो ये भी आसान ही है सारे। हाँ, यहाँ थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। क्रैमर रूल के जरिए आपने यहाँ पर क्या कहता है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्रैमर रूल एंड गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन एंड इन्वर्जन मेथड, तीनों मेथड के जरिए क्वेश्चन नंबर 12 को मैं सोच रही हूँ कि मैं अलग बना दूँ क्योंकि लेंदी मेथड हो जाएगा। बाकी सारे जो है वो एक ही वे इंशाल्लाह टू पार्ट्स में अपलोड करूँगी सारे में आपके लेक्चर्स, ठीक है जी। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सारे जी को दे इजाज़त। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें आपको क्या समझ में आया, कितना फ़ायदा हो रहा है लेक्चर से, और जो एक्सरसाइज हम करना चाहते हैं जल्दी, क्योंकि बेटा पिछले साल मैंने जो है वो मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का सॉरी मैट्रिक क्लास का कवर किया था पूरा, तो इतना टाइम नहीं था तो सारे लेक्चर्स अपलोड कर पाती, क्लासेस भी साथ साथ लेनी होती हैं। आप लोग हमारे ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो 1000 रुपीज़ हमारे ग्रुप के चार्जेस हैं पर मंथ। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ पे बच्चों को प्रिपरेशन करवाते हैं, ठीक है जी। प्रिपरेशन बहुत रीज़नेबल चार्जेस हैं, और इसके अलावा जो जो चैप्टर आप लोगों को पहले समझना है आप वो बता दीजिए, क्योंकि इस साल इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। सेकेंड ईयर का मैथ भी आपके सामने न्यू आया है इस साल, तो वो भी बर्डन है थोड़ा सा, वो भी इंशाल्लाह चैनल पर अपलोड करना है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का मैथ इंशाल्लाह जबरदस्त इसी साल अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पर। और जो भी लेक्चर आप लोग पहला लेना चाहते हैं कि आप इसमें सब सेकंड वेक्टर स्टार्ट करवा दें या कोई और चैप्टर स्टार्ट करा दें, आपको मुश्किल लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि उस पर ही वर्क इंशाल्लाह जबरदस्त हम करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए तारण जी को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।